उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए, ताजा तरीन घटनाक्रम के लिए, देश विदेश से जुड़ी उन जानकारियों के लिए जो आपको जाननी चाहिए, और साथ ही हमारी खास स्पेशल स्टोरीज के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। संवाद 365 के साथ बने रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देवभूमि लोक कला उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मुंबई में जाकर तीन नंदा देवी राजजात महोत्सव 2019 धूमधाम से मनाया गया। ट्रस्ट हर वर्ष मुंबई में नंदा देवी राजजात महोत्सव एवं मां भगवती नंदा के जागरों का आयोजन करता आया है। देवभूमि लोक कला उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई में हर वर्ष राज राजेश्वरी भगवती नंदा देवी राजजात महोत्सव एवं मां भगवती के जागरों का आयोजन होता है। ये यात्रा बेलापुर नंदा देवी मंदिर से निकलकर एरोली नवी मुंबई में सभी सेक्टरों में उत्तराखंड सरकार संस्कृति विभाग की तरफ से आई ढोल दमाऊ छोलिया नृत्य के साथ निकलती है, जहां पर पारंपरिक ढोल दमाऊ हुड़कों में उत्तराखंड से आए सुप्रसिद्ध जागर गायकों के द्वारा मां भगवती के जागर एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुतियां दी जाती है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुंबई निवासी उत्तराखंडी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस संस्था के ट्रस्टी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के सोनपट्टी के निवासी दीवान राम सिंह सोन एवं दीपा दीवान सिंह सोन हैं, जो कि मुंबई में रहकर उत्तराखंड की लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने एवं समाज को एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। इनकी टीम में मीना जगमोहन नेगी, गायत्री बिस्ट चिलवाल, हेमा जगजीवन कन्याल, कुमारी नीलम गोदियाल, फकीर सिंह बिस्ट, विक्रम राम सिंह सोन, जया बिस्ट, नवनीत खड़ायाल, शशि चमोली, सुनीता जोशी, कुमारी दुर्गा सिंह, निर्मला मेहता, यशोदा पाठक, नीलम मनराल, फूल देवी सजवाण, दीपा भट्ट, अनीता शर्मा, दिलवर रावत, मधु पहनुली, शांति बांगुरी, वंदना थपलिया, निर्मला फकीर बिस्ट, अंजू भारद्वाज, प्रेम सिंह रावत, कुमारी पूजा बिस्ट, अंकित कंडारी, विजय सिलसवाल, अभिषेक बहुगुणा, कार्तिक नेगी, हेमंत बिस्ट, कुमारी प्रीति रावत, कुमारी आरती धरियाल, कुमारी ऐश्वर्या सोन, तनिष्क सोन, मनोज सिंह मेहता, नवनीत खड़ाया और उद्गम मंच के 200 से अधिक कलाकार हैं, जो समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों के साथ वृद्धाश्रमों, अनाथाश्रमों, भूकंप पीड़ित, आपदा पीड़ितों और गरीब बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए मदद करते हैं। इस वर्ष भी ट्रस्ट के द्वारा कार्यक्रम में गरीब बच्चों की स्कूली पढ़ाई लिखाई में लगने वाली आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। इस वर्ष भी दिसंबर महीने में राज राजेश्वरी मां भगवती नंदा देवी की राजजात महोत्सव और जागर बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें देवभूमि लोक कला उद्गम के कलाकारों एवं उत्तराखंड से आए लोक गायक प्रकाश रावत एवं ग्रुप लोक कला उद्गम के कलाकारों रमेश जगरिया जी, महेश जगरिया जी, छलिया ढोल दबाओ दल ने बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन को सफल बनाने में मन्नत संस्था के प्रमुख गणेश सनवाल का विशेष योगदान रहा। इस महोत्सव में पिथौरागढ़ के राकेश सिंह सोन, मुंबई के मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष सहयोग देने वाले उद्योगपति हयात सिंह राजपूत, एससी पांडे, कामिनी पांडे, महेश भट्ट, नंदन अकोलिया, राजेंद्र जीना, प्रदीप रावत, शंकर सिंह रावत, डीसी देव, डी बी चंद, धर्म सिंह मावरी, देवचंद, प्रताप कार्की, शोभन सिंह कार्की, अशोक मुरारी, प्रमोद सिमलेठी, धनंजय बलोदी, सुरेश राणा, वीरेंद्र नेगी, समाज सेविका विनया एम के मडवी, गोपाल सिंह रावल, अर्जुन यादव, बहादुर बिष्ट, जीएस पाटिल, रविंद्र रौतेला, कैलाश आर्या, मनोज भट्ट, मोहन खाते, राजेंद्र सिंह ठाकुर, शिवेंद्र बिष्ट, सुशीला तानपुरे आदि लोग मौजूद रहे। इन सभी का कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। नंदा देवी राजजात महोत्सव में मुंबई के नेत्रहीन दिव्यांग कलाकार बाबूराव जाधव जी ने उत्तराखंडी गीत जय जय हो बद्रीनाथ गाकर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं सुप्रसिद्ध संगीतकार रामेश्वर केरोला एवं ग्रुप के द्वारा भी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। संवाद 365 के लिए मुंबई से पुष्कर ओझा की रिपोर्ट।